कल रास्ते में गम मिल गया था। मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक और नए बेहतरीन ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम 5:12 और हम लोग आए अभी आम लेने के लिए। देखो भाई, कर्नाटक में शायद आज हमारा लास्ट दिन है, शायद क्या आज टिकट है मुंबई जाने का। और आज के आज का जो ब्लॉग होने वाला, हमारा मुंबई का सफ़र होने वाला, आज के दिन का सफ़र, फर्स्ट डे। आज टिकट है हमारा, ट्रेन है 8:52 पे ट्रेन है, और मैं जीजा जी के साथ में आया हूँ, अपने जीजा जी के साथ में। 6:30 हमारा ट्रेन है मालूर से, और जीजा कहा था चलो आम लेके आए। हम कहें अरे बहुत देर हो जी भैया, कहा था नहीं बिहान चला जाए। हम कहें अरे बिहान कैसे चला जाए। खैर अभी यार कोई है नहीं, और हमको आम लेना है, अब क्या करें, लेट भी हो रहा है हमको, क्यों नहीं है ना। हेलो, क्यों ना है मर्दे, ना ही मिली आम तो फरले है। अम्मा देखो कितना बढ़िया बढ़िया फरा है। हेलो, अब एको आम तुरे ना कहीं चरावा आइल बाटे। हाँ, अपने तरफ से गलती ना करो, बाकी हम वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। साढ़े 6:00 मालूर से ट्रेन है, 5:30 है। नहाए वहाए के रहा, कपड़ा और भी रखे के रहा, जूता रखे के रहा, चलो मिली थे। वही बात ये हुआ कि यहाँ पर कोई है नहीं, और एक काम तू रहे मर्दे, चोरी करना पाप है, इट्स ओके, चोरी नहीं है, सीना चोरी इसको बोलते हैं हमारे यहाँ, सीना चोरी बोलते हैं। अब कोई है नहीं, हम लोग आम खरीदने के लिए आए थे, और ये आम का बगीचा है भाई, कुछ इस तरह से दिखता है, और हम लोग 2 आम तोड़ करके लेके जा रहे हैं। आखिर यहाँ आए हैं तो कुछ तो चाहिए ना, अभी जाएंगे हम तुरंत, अपना सब कुछ पैक है, हमारा कपड़ा वगैरह सब कुछ पैक है, बस शू रखना है, और शायद इसी ड्रेस में मैं जाऊँ, शायद इसी ड्रेस में, और सब कुछ पैक है, कपड़ा वगैरह सब कुछ है, शू रख लिया हूँ, सब कुछ मतलब मेंटेन है, बस बैग उठा करके नमस्ते करके सब कुछ चल देना है मालूर से जाना है बेंगलुरु कैंट से हमारा ट्रेन है, 8:52 पे टिकट है, फिर कल हमको कल्याण पहुँचा देगा वो, कल शाम को 6:30-7 तक, फिर वहाँ से अजय आएगा, मुझे रिसीव कर लेगा। अजय एक दोस्त है, वही बुला रहा है मुझे मुंबई में, और उसी के बहाने मैं सभी से मिलूँगा, अपने सभी रिलेटिव से, सभी दोस्त, सभी मित्र, सभी हित, सभी लोगों से मिलूँगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेकर के, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं मुंबई जा रहा हूँ, और मुंबई देखूँगा भाई कैसा दिखता है। चलिए मिलते हैं। अभी मेरा ट्रेन का टिकट हो चुका है, टिकट यह है 45 रुपीज़ लगे हैं भाई। अभी हमारा ट्रेन इधर से जाएगा, विशाल मुझको छोड़ने आया है, और किसी को उतना इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि जा करके फिर वापस ही होना, क्या पता वापस होना कि नहीं, वो तो देखते हैं जाने के बाद वहाँ पर। चलिए अभी 6:58 पर मेरा ट्रेन है, थोड़ा सा लेट हो गया, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मेरा खाना वगैरह पैक नहीं हुआ था, तो जल्दी जल्दी से निकल रहे थे हम लोग। ये है मालूर स्टेशन, और यहाँ से जाएंगे हम बेंगलुरु कैंट से 8:52 पर मेरी ट्रेन है, वहाँ से पकड़ के जाएंगे कल्याण। चलिए मिलते हैं, सफ़र का एंजॉय करते हैं भाई। नेक्स्ट मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग नहीं है, 12 बज गए भाई दोपहर के, अभी मैं सो करके उठा हूँ, रात में 12-1 बजे सोया हूँ, अभी सो करके उठा हूँ। ये हमारे सामने का कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है भाई, और यहाँ एक स्टेशन है, वहीं पर रुकी है मलाई कुल्फी खिला रहे हैं। चलिए अभी जा रहे हैं ब्रश करने, 12 बजे अभी ब्रश करेंगे, चाय पियेंगे, चाय का पैसा लेकर के वेट कर रहे हैं चाय पीने का, लेकिन आ नहीं रहा चाय वाला, और चाय पीते हैं। फिर उसके बाद खाना रखा था, कल शाम का ही खाना वही खा लूँगा, क्योंकि ये ख़राब नहीं हुआ होगा, अच्छा है भी, रोटी सब्जी है वही खा लूँगा, अभी जाकर के फ्रेश हो गया था। में एंटर कर चुके हैं, पुणे जंक्शन क्रॉस कर लिए हैं, अभी हमको जाना है कल्याण, वहाँ पर गाड़ी पहुँचेगी 6:52 पे,
और हमारी बॉगी में भाई 12 बजे हैं रात के, देख रहे हो कैसे लोग सो रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से सो रहे हैं। मैं नीचे आ गया हूँ, ऊपर मेरा सीट है लेकिन नीचे आ गया हूँ। ये देखो महाराष्ट्र, मुंबई नहीं है महाराष्ट्र है, मुंबई आएगा 1 घंटे बाद, मुंबई आएगा 1 घंटे बाद। और खाना वाना खा लिए थे, पेट वगैरह भर चुका है। एक अंकल मिले थे, वही चाय पिला दिए हैं, बोल रहे थे आज इंडिया ट्रैवल कर रहे हो विदाउट मनी तो चाय पी लो भाई, उनके लाओ भाई लाओ लाओ लाओ, उन तो फ्री का खोजते ही हैं। और चलिए अभी मिलते हैं और अजय को फ़ोन करते हैं यहाँ से पहुँचने के बाद, 6 बजे 7 बजे पहुँचेगी गाड़ी, उसके बाद वहाँ से उसको कॉल करेंगे। क्यों भैया क्या हाल चाल, कॉल करेंगे उसको, वो आएगा। अभी भी कॉल करके बात कर लिया हूँ, बोल रहा था कि आ जाऊँगा मैं 5 मिनट में, तुम कॉल कर लेना बस, और पास में ही रहता है कल्याण स्टेशन के पास में ही रहता है। चलिए मिलते हैं वहीं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कल्याण में, और ये लोकल ट्रेन है भाई, मैं सोच रहा था लोकल ट्रेन से जाने के लिए एक दो सफ़र। वाओ, ऐसा लग रहा है भारत की पब्लिक यही है। सर फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्टूडियो पे, और वहां से मुझे पिकअप कर लिया था जे, उसके बाद गए थे शॉप पे, शॉप पे जाने के बाद कारखाने पे गए थे, वहां वड़ा पाव खाए थे। मुंबई का वड़ा पाव बहुत ज़्यादा फेमस है मुझे लगा था, और मैं सुना भी था बहुत लोगों से, खाया और मज़ा भी आया। और अभी आ गए हैं रूम पे, अभी कितना बज रहा है, 12 बज रहे हैं, 12:05 में हो गए। अभी तुरंत मैं नहा करके फ्रेश हुआ हूँ, ये खाना अपना देखो पैक करा कर दिलाया गया है, आज पैक करवा दिए हैं, कल से बनाएंगे। और स्टूडियो है अपना, और इसका कभी किसी और दिन ब्लॉग लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बता दे कैसे मैं जीऊँगा तेरे बिना।